सीलिंग एक्ट के तहत करीब 4.5 बीघा कीमती जमीन पर गांव के दबंग लोगों ने कब्जा किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हमने एक वीडियो देखा जिसमें दलित युवक के पैर वो धो रहे हैं, वहीं हम आदिवासी हैं, दबंग लोग हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, सीएम हमें भी न्याय दिलाए। इंदौर जिले के पालाखेड़ी के रहने वाले आदिवासी शख्स और उनकी माँ ने मीडिया के सामने आज बात कही। दरअसल ग्राम पालाखेड़ी के रहने वाले बाल कृष्ण कटारा और उनकी बुजुर्ग माँ कमलाबाई एक बच्चे के साथ आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां मीडिया के सामने बताया कि वे पालाखेड़ी में कई वर्षों से रह रहे हैं। करीब 40 वर्ष पूर्व शासन द्वारा सीलिंग एक्ट के तहत लगभग 4.5 बीघा जमीन उन्हें प्रदान की गई थी, जिस पर गांव के ही मलखान पटेल, सुरेश पटेल आदि ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि करोड़ों की कीमती जमीन का कब्जा छुड़ाने के लिए वे पुलिस थाने सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं आज कलेक्टर कार्यालय से तहसीलदार के सामने उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। बालकृष्ण कटारा का कहना है कि उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग भाजयुमो में एक नेता के रिश्तेदार हैं। वहीं कटारा और उनके परिवार के लोगों को इस मामले में कई तरह से धमकियां भी मिल रही हैं। पीड़ित लोगों ने मीडिया के सामने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे सख्त कदम उठा सकते हैं। मेरा नाम बालकृष्ण, ग्राम बालकृष्ण पिता नारायण, ग्राम पालाखेड़ी साहब। क्या प्रॉब्लम है, क्यों आए हैं? हमारी जमीन है जो शासन द्वारा हम 4.5 बीघा सीलिंग एक्ट में पैसे जमा करवाए थे, तो 4.5 मिली थी जो कि गांव के ही राजपूत समाज, वो जमीन हमको मिल गई और उसकी डायरी वगैरह सब मिल गई। उसके बाद भी उनने उस जमीन पे कब्जा, परिवार वालों ने कब्जा कर लिया, तो कब्जा आज तक भी है। हमने कार्रवाई के लिए बार बार तहसील थाने सब दूर जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है। थाने पे भी जाते हैं तो वो उनको फ़ोन लगाते हैं कि ये लोग आए हैं, क्या करना है। और उसके बाद फिर वापस से मैं 2-3 बार गया, मेरे घर वाले, मेरी मम्मी, मेरे घर वाली 2-3 बार थाने गए। यहाँ तहसील में तो कम कौन सा थाना लगता है? गांधीनगर थाना, गांधीनगर। और तहसील में हथौद लगती थी पहले, आप मलारगंज इंदौर लगती है, तो यहाँ भी हमने 2-3 बार लगाया, बाकी कोई सुनवाई। कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं? कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। लगभग कितनी कीमत की जमीन होगी? कम से कम 2.5 करोड़ की। कितने समय से कब्जा है इनका? कम से कम उनको तो जब से ही कब्जा, कम से कम 20-25 साल हो गए। आपको कब मिली सीलिंग एक्ट में? ये तो मेरे पिताजी को मिली थी कम से कम 30 साल पहले, 30-35 साल पहले। अभी आप गए तो क्या कहा गया? अभी तहसीलदार साहब तो बोल रहे हैं कि ये हमारे इसमें नहीं, तुम नप्ती का आवेदन देते तो हम कुछ कार्रवाई करते हैं। नहीं तो मैंने कहा कलेक्टर साहब के पास जाऊं क्या? तो कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा कराया? पटेल, मतलब क्या नाम है इनके? सुरेश पटेल, मलखान पटेल और गब्बू पटेल। क्या कोई नेता वगैरह है क्या ये? इनके परिवार का जो है सरवण सिंह चावड़ा, जिलाध्यक्ष है बीजेपी का। तो यानी कि दबाव प्रभाव लगता है? हाँ, दबाव बिल्कुल, वो उनकी सहायता बिल्कुल करते हैं। और उन्हीं के नेतागिरी की वजह से हमारी रिपोर्ट भी नहीं होती है और ना कोई धमकियाँ भी मिलती है क्या? बिल्कुल, जान से मारने की भी धमकी दी। मारने की धमकी दी। आपका नाम बोलो भैया। बालकृष्ण कटारा। आपने बोला बीजेपी नेता है जो आप जमीन पर आप कब्जा कर रखा है, समर्थित हैं लोग हैं, क्या कहेंगे आप? किस तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? साहब हमको तो जान से मारने की धमकी देते हैं, खेती बोने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। वहाँ सब लोग बोल रहे हैं हमके बोने नहीं दे। वो अब गांव में दमंग लोग हैं, उनके घर भी 100 घर हैं उनके, और हमारा अकेला घर। अभी आपके द्वारा कहा गया आदिवासी से आप, हम आदिवासी, आपकी सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही हमारी, जहाँ जाते हैं वहाँ सुनवाई नहीं हो रही। वो बीजेपी के हैं? जी, बीजेपी के हैं। और थाने पे तो अक्सर जाते हैं तो वो उल्टा थाने वाले उनको फोन लगा के पूछते हैं। अच्छा, हाँ, उनसे बात करते हैं। तहसील में भी हमने कई आवेदन दिए, बाकी आज तक। सर, मुख्यमंत्री जी ने तो अभी आदिवासी शख्स के पेड़ धोए हैं और कहा जा रहा है कि आदिवासी हितैषी है, लेकिन आपके साथ इतने दिनों से कब्जा है जमीन का। ये तो मुख्यमंत्री जी ने, अभी ये चुनाव है तो चुनाव की वजह से ये करा होगा, नहीं तो ये हमको भी न्याय दिलाई, फिर हम हमारी जमीन भी दिलाए, तो हम समझे कि हाँ मुख्यमंत्री जी आदिवासियों के साथ है। हमारी तो हमारा कब्जा दिलाए। आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण कटारा। पता नहीं क्यों आए आप? हम जमीन वास्ते आए, हमारी जमीन पे कब्जा कर लियो और हमारी जमीन में हमने बाउंड्री कराई थी, वो बाउंड्री तोड़ दी, 250 खम्बा था ये सब तोड़ दिया, और इन्होंने आधार खेत में मुरम लाखी के रोड बनाई,
और पाइपलाइन गाड़ी के ने पानी ले गया खेत तक और बिजली का खंभा भी खेत तक गाड़ लिया दार खेत में, तो भी तो हमने आवेदन दिन हटाई देवाया और भी कब्जों नहीं दे रहे हमारे, इतना साल हो गया बोने भी नहीं दे हमारे खेत पर नहीं आंदे जाए तो गाली गलूच करे हमके अनशन बोले। कितने साल से रह रहे हो आप पालाखेड़ी के? हम पालाखेड़ी के हैं क्या रहने वाले, हम पीढ़ी बन दो तब हमारे 5-6 पीढ़ी हो गए। और ये जो लोग हैं ये भी यहीं के रहने वाले हैं पालाखेड़ी में, ये राजपूत लोग हैं, हम तो आदिवासी लोग हैं। अच्छा। हाँ हम आदिवासी हैं, हमारे बोलने वाला कोई भी नहीं, एक अलग घर से हमें यूँ कहते रहे छोरा को मत भेजना नहीं तो यहीं पर गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। कौन बोले हैं? ये मौल खान पटेल नहीं, तीन ही भाई बोलते हैं जो जो बता रहे हैं बीजेपी समर्थक। हाँ 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 हाँ। आपका नाम बोल दो भाई। मेरा नाम कमला भाई, और ये अनशन गाली बोलते हैं हमको।